नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो आप लेक्चर को एंजॉय करो। इनवर्स मैट्रिक्स मेथड। और मार्टिन्स रूल। तो अगर आप लोगों को क्रेमर्स रूल समझ में आ गया है, जो कि ऑब्वियसली समझ में आ गया है, तो आज वाला टॉपिक बहुत आसान लगेगा। मतलब ये बच्चा जैसा टॉपिक है, क्योंकि हम लोग को इन्वर्स निकालने आता है। कैसे निकालते हैं इन्वर्स सानवी? एडजॉइंट बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, चलो हम लोग डायरेक्टली पढ़ेंगे। 2 into 3 into 3 करते हैं, 2 into 2 अपने आप समझ जाओगे। नोट करो पहले इसको। तो डिटरमिनेंट का सबसे आसान टॉपिक आज लगेगा आपको ये वाला। अब क्या हुआ, यहाँ पर आपके सामने 3 वेरिएबल का इक्वेशन दिया हुआ है। आपने इसको क्या किया, अलग अलग मैट्रिक्स में डाला। पहला मैट्रिक्स बनाया आपने ए, और ए में क्या डाला, एक्स वाई जेड के जितने भी कोफिशियंट्स थे। ठीक है, दूसरा आपने मैट्रिक्स बनाया एक्स, एक्स में क्या डाला, जो भी वेरिएबल आपको यहाँ पर दिया हुआ था एक्स वाई जेड। तीसरा मैट्रिक्स बनाया बी, और उसमें डाला वो सारा का सारा कॉन्स्टेंट पार्ट जो आर एच एस में आपको दिखाई दे रहा है। आपने ये बना लिया। अब आप देखोगे कि अगर आपने ए एक्स, ए को x से मल्टीप्लाई किया, मतलब ये वाले मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई किया, तो पहले समझते हैं इसका ऑर्डर क्या है, 3 into 3। इसका ऑर्डर क्या है, 3 into 1। क्या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? पॉसिबल है। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बेटा आंसर आएगा वो कितने, उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 into 1। इधर साइड में क्या है, बी, बी का ऑर्डर क्या है, 3 into 1। तो 3 into 1 3 into 1 दोनों साइड। तो आप समझ रहे हैं, जो यहाँ पे आंसर आपका निकलेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, वो आपको बी का वैल्यूज देना चाहिए। बहुत आसान है। अब इसी इक्वेशन को बेस बनाकर, इस इक्वेशन को बेस बनाकर हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखते हैं यहाँ पर ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, और दोनों साइड में ना प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं ए इनवर्स। तो यहाँ पर लिखेंगे प्री मल्टीप्लाइंग, प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड्स। हाँ, मल्टीप्लाई लिखोगे ना तो या तो प्री करोगे या पोस्ट करोगे, मैट्रिक्स के केस में ये वर्ड लिखना जरूरी होगा। ठीक है, ए इनवर्स इनटू ए एक्स, ए इनवर्स इनटू बी। अब यहाँ पर बेटा ए इनवर्स इनटू ए आपने किया, क्या वैल्यू हो जाएगा इसका, इसका वैल्यू हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू बी। तो यहाँ पे आ गया एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू बी, और यही है हमारा आज का लेक्चर। दिस इज ओनली नोन एज इनवर्स मैट्रिक्स मेथड या फिर मार्टिन्स रूल। अब यहाँ पर x क्या है, वेरिएबल्स है, तो यहाँ पर आप रखेंगे x y z यहाँ पर रखेंगे। अब एक बात बताओ, a का इनवर्स निकालोगे वो भी एक 3 into 3 का ही मैट्रिक्स होगा, और ये तो 3 into 1 का था, तो इसका जब आंसर निकलेगा तो एक 3 into 1 का मैट्रिक्स आएगा हमारे पास। कुछ पे एक स्पेस यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी लगा हुआ है, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो x का वैल्यू ये हो जाएगा, y का वैल्यू सेकंड वाला, और z का वैल्यू थर्ड वाला। सिंपल। अब अपने को a इनवर्स निकालना आता है, मल्टीप्लिकेशन करना भी आता है, तो ये एक्सरसाइज बाय डिफॉल्ट ख़त्म है। अब इसमें कंडीशंस क्या समझना, अपने को यहाँ पर कंडीशंस आएंगे
कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का, ये लिख लिया। तो कंडीशंस आएगा यहां पे कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का, तो बहुत सिंपल सा कंडीशंस है, लिखो कंडीशंस फॉर सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है कि जो भी आपको मैट्रिक्स ए दिख रहा है उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना। सबसे पहला काम, अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो आया, इसका मतलब क्या होता था, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आपने निकाला और उसका वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आया तो क्या बोलते थे, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आप बोलेंगे कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट, क्योंकि अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ए इनवर्स निकल जाएगा और उसको आप बी से मल्टीप्लाई कर पाओगे, तो सिस्टम आपका कंसिस्टेंट होगा एंड यूनिक सॉल्यूशन देगा, फर्स्ट थिंग। ठीक है, तो ये तो सबसे आसान है, आपको निकालना है, फॉर्मूला आपको दिया हुआ है एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। ये आंसर तभी निकल सकता है जब ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा, और एग्जिस्ट कैसे करता है, जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं होगा। दूसरा केस, आपने सॉल्व किया और ए का वैल्यू, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आ गया जीरो, तब आप क्या बोलेंगे, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन अब यहां पर अगर ऐसा केस आया बेटा, तो हमें दो काम करना होगा। पहला काम, आपको निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स बी। ठीक, अगर आपने निकाला डिटर्मिनेंट और उसका वैल्यू आ गया है जीरो, तो आपको दूसरा काम क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए, ये भी एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई बी, आप ये निकालेंगे, या तो इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा, या दूसरा केस एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और इसका वैल्यू जीरो नहीं आएगा। अगर इसका वैल्यू जीरो आ गया, दैट मीन्स ये कंसिस्टेंट है एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा आपको। और यहां पे हो जाएगा, दिस इज इनकंसिस्टेंट। तो बड़ा सिंपल सा केस है। इसके पहले जो हम लोगों ने क्रेमर्स रूल पढ़ा था, उसमें डी का वैल्यू, डी वन, डी टू, डी थ्री बहुत कुछ देखना पड़ता था। यहां पे ज्यादा कुछ नहीं देखना है। पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर जीरो नहीं आया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, दैट मीन्स आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपने डिटर्मिनेंट निकाला और जीरो आ गया, तो दो पहले आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए तो तुमने पहले निकाला भी होगा इसका वैल्यू, तो इनटू बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अगर वो जीरो आया तो क्या बोलोगे, कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और यहां पे बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, इसका आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, अब इसमें एक स्पेशल पॉइंट आता है, उस स्पेशल पॉइंट को नोट कर लो कि अगर बेटा एडजॉइंट आपने निकाला ए का और वो उसका वैल्यू आ गया जीरो, इसको नोट करो। एडजॉइंट अगर आपने निकाला, इफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, देन सिस्टम मे बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये वाला जो पार्ट है, ये आपको सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, ये एमसीक्यू में आ सकता है। हम लोग सॉल्यूशंस, इस पर कोई भी सॉल्यूशन क्वेश्चन हमारे पास है नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही समझना है कि अगर आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला और वो जीरो आ गया यहाँ पर, ये वाला, तो उस केस में नल, जीरो मतलब नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा जीरो ही आएगा। तो चाहे यहाँ निकालो, तो इसमें इस केस में ना आप बोलेंगे ये कंसिस्टेंट हो भी सकता है और इनकंसिस्टेंट, बस इसको समझने के लिए समझना है एमसीक्यू के लिए। ऑलराइट, ये हमारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब चलो एक्सरसाइज पे आते हैं जल्दी से, एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज 4.6, 4.6 क्वेश्चन नंबर 1। बोलो 1 करे कि 2 करे इसका, चलो यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सबसे पहले आप डिटरमाइन कर लेंगे मैट्रिक्स ए एक्स और बी,
इसके बाद का पहला स्टेप क्या होता है, अपने को क्या निकालना है, ए इनवर्स, ए का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले चेक करो ए डिटर्मिनेंट, वैल्यू कितना आ रहा है, नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो क्या आंसर आएगा, कंसिस्टेंट एंड यूनिक, मतलब एक आंसर इसका निकलेगा डेफिनेटली। चलो अब निकालो इसका एडजॉइंट, 2 × 2 में एडजॉइंट का कंडीशन याद है आपको क्या होता है, डायगनल्स एक्सचेंज और साइन का, नॉन डायगनल का साइन चेंज। तो हम लोगों ने ए इनवर्स निकाल लिया, वेरी इजी कैटेगरी क्वेश्चन, ए इनवर्स निकल गया। अब अपने को क्या निकालना है, एक्स और वाई का वैल्यू यूजिंग इनवर्स मैट्रिक्स मेथड, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू बी, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। दिस इंप्लाइज एक्स एंड वाई 3 - 2 क्या है? ये बहुत आसान एक्सरसाइज है बेटा, क्रेमर्स रूल के सामने तो आपको ये बहुत ही आसान लगेगा अभी। एक्स का वैल्यू टू एन माइनस थ्री यही है, दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल्स टू टू एंड वाई इक्वल्स टू माइनस थ्री। थ्री एक्स माइनस वाई प्लस टू जेड, चलो कैसे चेक करते हैं कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी, पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे, ठीक है। चलो निकालो, मैट्रिक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वेशन को, डिटरमिनेंट है कितना आया, जीरो आ गया। हा पक्का सबका जीरो आ रहा है, सबको चेक करो जीरो आएगा, नहीं आया चेक करो, कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो वैल्यूज का आ गया जीरो, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक से बचना बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक आंसर खराब कर सकता है। चलो तो डिटरमिनेंट ए निकल गया, ये जीरो आया। अब जीरो आ जाता तो हम लोग को क्या करना पड़ता था, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ये निकालना पड़ता। चलो अब एडजॉइंट निकालना है, अब ये 3 × 3 का है तो 3 × 3 का एडजॉइंट निकालना याद है आपको, को फैक्टर्स को लिखना लिखते हैं हम लोग सबसे पहले। चलो तो ए वन वन उसी ऑर्डर में लिखना, ए वन टू ए वन थ्री
सब का सब फाइव ही में आ रहा है। दिस इंप्लाइज एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, लिख दो भाई सबका, फाइव फाइव माइनस फाइव, फाइव माइनस फाइव, माइनस फाइव माइनस फाइव, प्लस फाइव प्लस फाइव, माइनस फाइव माइनस फाइव, प्लस फाइव। अजीब सा आंसर है, हट इसका ट्रांसपोज। सबका मैच कर रहा है, चलो तो एडजॉइंट हम लोगों ने निकाल लिया। अब अपने को चेक करना है द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई बी, फाइव माइनस फाइव माइनस फाइव, माइनस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव। बी से मल्टीप्लाई करो तो बी है थ्री फाइव और वन, चलो अपना अपना मल्टीप्लिकेशन करो। देखो जीरो तो नहीं आ रहा है, ये तो श्योर है नॉट इक्वल्स टू जीरो आ रहा है। माइनस फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन फिफ्टीन, विच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये नल मैट्रिक्स नहीं आया ना, तो अगर नल मैट्रिक्स नहीं आया तो कौन सा केस हो गया फिर? हाँ फिर से वापस देखो, नॉट इक्वल्स टू जीरो, इनकंसिस्टेंट, इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। लास्ट में आप लिखेंगे हेंस इट इज इनकंसिस्टेंट, इट इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन, एंड हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले ही केस हम लोग को मिल गया इनकंसिस्टेंट वाला, इट इज इनकंसिस्टेंट। अब देखो कंसिस्टेंट के केस में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कंसिस्टेंस एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन का अगर केस आता तो बेटा यहां पर इसका वैल्यू जीरो ही आता। ठीक, आपने एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू जीरो आया था। अब कभी केस आ जाए कि इसका इसका वैल्यू जीरो 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 आ जाए तो नल मैट्रिक्स आएगा, उस केस में क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, चलो तो समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, आसान है, बस आपका गलती एक ही जगह होगा और वो कहाँ पे, कैलकुलेशन। अगर वो सही है फिर कोई गलती नहीं होगा, तो इसलिए कैलकुलेशन खूब प्रैक्टिस करो। डिटर्मिनेंट निकाला कितना आया, जीरो आया, फिर आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला तो उसका वैल्यू तो आसान है, क्या आया था, सेवन वन माइनस वन और माइनस सेवन। ठीक है, फिर आपने क्या किया, ये जीरो आ गया था तो इसको मल्टीप्लाई किया होगा बी से, तो इसको आपने बी से मल्टीप्लाई किया तो सेवन माइनस वन माइनस सेवन और वन, बी का वैल्यू अपने पास वन और सेवन, आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे जीरो यहाँ पे जीरो, तो ये कौन सा केस हो गया, कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट तो है एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन, आपसे सॉल्यूशन मांगा है ना। अब हम लोग ने पढ़ा है ये चीज टू वेरिएबल के केस में कि आप क्या करेंगे, एक को क्या मानेंगे, k, तो दोनों वेरिएबल दिया हुआ है तो लेट y इज इक्वल्स टू k। ठीक है, तो x का वैल्यू x प्लस k इज इक्वल्स टू 1, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस k। ठीक है, आइदर ऐसा करो या उल्टा करो, x को आप k मानोगे तो यहां पर k लिखोगे, उसको उसके टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब जब y का वैल्यू चेंज करेगा, जब जब y का वैल्यू यहां चेंज करेगा तो x का भी वैल्यू यहां पे चेंज करेगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर, सेवन नंबर देखो, वर्ड प्रॉब्लम है, इसका इक्वेशन बना लेंगे, सम ऑफ थ्री नंबर इज सिक्स, तो x प्लस वाई प्लस जेड सिक्स आ गया। If we multiply third number by 3, मतलब 3z, add second to it, we get 11, मतलब y plus 3z आपको 11 दे देगा। आगे
एक्स नहीं है जीरो, उसका कोफिशिएंट जीरो। बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट द डबल ऑफ सेकंड नंबर, तो एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू टू जेड टू वाई सॉरी, उसको इधर ले आके उसका वैल्यू जीरो हो गया। रिप्रेजेंट अल्जेब्रिकली एंड सॉल्व यूजिंग मैट्रिक्स मेथड बन जाएगा। चलो यहां तक सेवन तक आपका पूरा होमवर्क है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 ये चारों के चारों एक ही तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, कोई सा भी एक चूज करते हैं हम लोग, सपोज वी आर चूजिंग 8 नंबर को ही चूज कर लेते हैं और 8 नंबर को बनाते हैं। पढ़ो पहले क्वेश्चन, क्यों नहीं बना सकते हो क्या? हाँ अच्छा ठीक है, वो भी कर लेंगे, पहले सिंपल वाला तो कर ले। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पहले पढ़ो, बोलो समझ में आया कि नहीं आ रहा है। आपको एक मैट्रिक्स दे दिया ए, सबसे पहले बोला इसका इनवर्स निकालने, कुछ सॉल्व करने नहीं बोला है, तो पहला काम क्या करेंगे इसका, इनवर्स निकालेंगे। चलो जल्दी से इनवर्स निकालो इसका। बताओ डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है, कितना है वैल्यू? डिटरमिनेंट ऑफ ए 67, ठीक है। तो सबसे पहले काम डिटरमिनेंट, अब क्या इनवर्स निकालना है, तो क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट। चलो एडजॉइंट निकालो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। सारा आ गया, जा कर ले, एक भी वजह से 79 आएगा तो रोना मत। कितना इसका? -8 और -1। चलो एडजॉइंट निकल गया, देखा आंसर मैच कर रहा है सबका,
ठीक है, चलो इनवर्स निकालो। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 67, तो 1/67 इंटू आ गया। सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन का क्या था, आपको इनवर्स निकालना था। उसके बाद क्या बोल रहा है, यूजिंग दिस, आगे में देखना क्वेश्चन पढ़ना, यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अपने पास ये लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। अब आप इस लीनियर इक्वेशन को अगर देखोगे और इसको ब्रेक करोगे यूजिंग इनवर्स मैट्रिक्स, अच्छा यहाँ क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है यूजिंग इनवर्स मैट्रिक्स मेथड, लेकिन आप कैसे समझ पा रहे हो कि इनवर्स मैट्रिक्स मेथड को ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ए इनवर्स बोला है निकाल ले। ठीक है चलो, तो यहाँ पे लिखते हैं ए आ गया हमारे पास 1 2 3, 2 3 -3 -3, 2 एंड -4। ठीक है, एक्स वाई जेड एंड बी का वैल्यूज है -4 2 और 11। नाउ एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा यूजिंग इनवर्स मैट्रिक्स मेथड, हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू बी। ए इनवर्स आपने पहले से निकाला है 1/67, लिख दो सारे वैल्यूज माइनस, इसका मल्टीप्लिकेशन बस अच्छा से करना, नंबर्स बड़े बड़े हैं इसलिए, इनटू बी। अजीब अजीब सा नंबर आ रहा है ना, फर्स्ट वाला कैलकुलेशन कितना आ रहा है आपका, -10 133 133 46। बाकी दो तो ठीक है, पहला वाला बस चेक करो तो, हाँ सेम है, ऐसे ही नंबर है, आंसर भी ये है। चलो तो एक्स का वैल्यू 133/67, वाई का वैल्यू देखो कैंसिल आउट हो रहा है ना, 134 और यहाँ पे 67 है, तो 134/67 कितना हो जाएगा, -2, और जेड का वैल्यू है 11, कैंसिल, आंसर यही है। हाँ क्या बोल रहे हो, एक्स वैल्यू 3 है, तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, 133 कैसे 3 से कटेगा, 6 जोगे 24, ठीक है 17 2 34, और 13 × 11, 11 ही था ना, देख एक बार, -4 2 और 11, एक्स का वैल्यू 3 है, कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पर नहीं है ना, चेक करो, ये हो गया -10 -10 130, नहीं क्योंकि ये दोनों -2 और 1 आ रहा है, तो उसका भी आना चाहिए था, कहीं मिस्टेक तो नहीं होगा, चेक करो एक बार कैलकुलेशन। अच्छा यहाँ प्लस, अच्छा आगे में प्लस का साइन था ना, ठीक है माइनस माइनस, ये प्लस हो गया +17, ठीक है यहाँ भी ये प्लस हो जाएगा, भाई एक गलती ना बहुत भारी पड़ता है इस पे, दिस इज +17, दिस इज +17, दिस इज +17, चलो अब आ जाएगा।
नाउ ये 24 गया, 17 टू से ये प्लस में आ गया, दिस इज प्लस, तो वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 4 8 और 3 11, 1201 डिवाइडेड बाई 3, और डाले, ठीक है। तो बहुत स्पेशल ध्यान क्या चीज में रखना है, देखिए इसका क्वेश्चंस बहुत आसान है, सॉल्व करना भी आसान है, गलती कहां पे हो सकती है, बस कैलकुलेशन, क्योंकि प्लस माइनस साइन बहुत इन्वॉल्व हो रहा है, आपको बस उसका ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 और 10 बेटा सिमिलर है, तो 9 और 10 आपका होमवर्क में रहेगा। हम लोग आते हैं 11th में, 11th में थोड़ा सा इस थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी वो भी पैटर्न इसका सिमिलर है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 को पहले पढ़ो और रियलाइज करो डिफरेंट क्या है। समझ में आया कुछ डिफरेंट है? कहाँ पे? 2 है यहाँ पे, सबसे पहले क्या करने बोला आपको, ए इनवर्स, ये आपका मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा एक काम करोगे बेटा, जब यहां पर ए दे दिया है ना, हाँ ठीक है उसको रहने दो, अभी उसको ए रहने दो, लिखें, लेकिन ये ट्रांसपोज होगा, अभी चेक करते हैं। यहां पर ए इसका इनवर्स निकाल सकते हैं हम लोग, ये इसका इनवर्स निकालना आसान है, और आप इसको अपने से निकालेंगे, ये निकल जाएगा। अब ये जो मैट्रिक्स है ए, यहां पर और यहां जो इक्वेशन दिया है इसका, जब हम लोग कोएफिशिएंट को चेक करोगे तो आपको दिखाई देगा कि इसका ना ट्रांसपोज दिया हुआ है, यहां पे 1 -1 1, ये फर्स्ट रो है, वो यहां पे फर्स्ट कॉलम है, यहां पर 2 1 -3 सेकेंड रो है, यहां पे वो सेकेंड कॉलम है। तो बेटा ये जो ए है, इसका नाम हम लोगों ने ए लिखा है, ये एक्चुअल में ए नहीं है, ए का क्या है यहां पे, ट्रांसपोज। तो यहां पर आप साइन क्या लगा देंगे, दिस इज अ ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपने यहां पर ए इनवर्स निकाला है, पहले क्वेश्चन ये पूछा है ना आपसे, ए इनवर्स, तो पहले तो इसका इनवर्स निकालोगे। अब जब इसका इनवर्स निकालोगे तो डिटरमिनेंट तो निकलेगा ही ना बेटा, डिटरमिनेंट निकालेंगे, उसके बिना इनवर्स कैसे निकाल लोगे। तो आपने डिटरमिनेंट निकाला, फिर आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, और एडजॉइंट ऑफ ए के बाद आंसर आपका मिल गया ए इनवर्स का। यहां तक तो काम करना है, सबसे पहला क्वेश्चन का पार्ट है इसका इनवर्स निकालना है, तो आपने इसका इनवर्स निकाल दिया, ठीक। अब आपको बोल रहा है इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, यहां पर अब आप चेक कर रहे हो, तो ये मैट्रिक्स क्या है एक्चुअल में, गिवन मैट्रिक्स ए का यहां पे आपको ट्रांसपोज दे दिया है। अब अगर आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, एक्स इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बी से, तरीका ये होना चाहिए, ठीक। तो क्या तुम अब वापस से इसका डिटर्मिनेंट और इसका इनवर्स निकालोगे, कि कोई प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हम लोग। चलो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो, चाहे ए का डिटर्मिनेंट निकालो, दोनों दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो इसके प्रॉपर्टी की वजह से आप क्या बोलेंगे, यहां पर आपको अलग से इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा इसका वैल्यू कुछ आया होगा, तो ये तो नॉन जीरो है, इसका वैल्यू आपने निकाला होगा तो ये नॉन जीरो आया होगा, तो ये भी नॉन जीरो है, सेम टू सेम मैच कर गया। दूसरा, आप अगर ए का इनवर्स निकाले या ए ट्रांसपोज का, एक सेकंड,
आप अगर ए इनवर्स को ट्रांसपोज कर दें या फिर ए का ट्रांसपोज का इनवर्स निकालें, दोनों का दोनों क्या होता था? सेम होता था। तो अगर आपने यहां पे ए इनवर्स निकाला है, यहां पे वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है? ए इनवर्स का। सिंपली इसका ट्रांसपोज कर दोगे अगर, यहां पे जो आंसर आएगा तो आपको वैल्यू मिल जाएगा ए इसका इसका इनवर्स का। अपन को क्या चाहिए? अपन को ये चाहिए, ए ट्रांसपोज का इनवर्स। अब इसको निकालने की अलग से जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? आपने ये तो निकाला हुआ है ना, तो ये वाले प्रॉपर्टी को यूज करके जो भी यहाँ वैल्यू आएगा इसका ट्रांसपोज कर दोगे। वैसे इसका ट्रांसपोज करोगे और डायरेक्टली उस मैट्रिक्स को यहाँ पे डाल दोगे, और डालते ही फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर क्या होगा आ जाएगा। तो हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या? इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं है। क्यों? वो यही होगा जो इसका आया होगा। दूसरा, इसका अलग से पूरा इनवर्स का कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। क्यों? जो आपने यहां पर इनवर्स निकाला होगा इसका डायरेक्ट ट्रांसपोज कर दोगे तो यहां पर आपको उसका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि बहुत टाइम ले लेगा, खत्म भी करना। एक और क्वेश्चन हमारे पास, तो आप इसको घर में सॉल्व करेंगे। डिटरमिनेंट का वैल्यू क्यों निकालना है? चेक करने के लिए जस्ट, कि ये कहीं पर गलती से तो ये जीरो नहीं आ रहा। ठीक है, खत्म है। इसको आप होमवर्क में करेंगे क्योंकि हमें एक और क्वेश्चन करना है अभी, क्वेश्चन नंबर 12। ये कर लोगे पक्का? चलो, तो इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए होमवर्क में जाएगा ये वाला, और क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 हमें पढ़ना है। क्या इसको हटा दे? चलो, 12 नंबर पढ़ो एक बार, मल्टीप्लीकेशन करो। सबसे पहले आपको ए बी निकालना है, ए इंटू बी का वैल्यू निकालो जल्दी से। क्या बेटा? कैलकुलेशन मिस्टेक का ध्यान रखना। फिर -8 0 0 0 -8 0 और 0 0 -8, -8 को बाहर निकाल दे तो ये क्या बन गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 ये बन गया। नाउ कैन वी से दैट दिस इंप्लाइज ए इन टू बी, अगर आप निकाल रहे हैं तो ये आ रहा है -8 ऑफ दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसका आंसर इनवर्स में आ रहा है, अभी -8 को इग्नोर कर दो। ठीक है, -8 को इग्नोर क्या करोगे? इसको यहां पे ले आओ, -8 को यहां ले आओ। आपने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और आंसर आ रहा है आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बोल सकते हैं एक दूसरे का इनवर्स है ये लोग, बी इज द इनवर्स ऑफ ए या फिर ए इज द इनवर्स ऑफ बी। तो अब यहां पे क्या करेंगे, ये चीज समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे देखो, आपको बोला है कि आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपने यहां पर ए लिखा, आपने यहाँ पे x लिखा, और यहाँ पर आप b नहीं लिख रहे हो। क्यों नहीं लिख रहे हो यहाँ पे b?
क्योंकि बी ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसका नाम आप बी नहीं डाल के आप इसका नाम क्या डाल देंगे, सी। इसका नाम ए डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि आपने देखा ये और ये तो सेम दिख रहा है, इसलिए उसका नाम आपने ए रखा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ पर आप करेंगे एक्स इंटू, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, ए इनवर्स, सॉरी ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई सी, ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई सी ऐसे निकलेगा। अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए ए इनवर्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्या आप यहाँ पर इसका इनवर्स निकालना चाहेंगे मेहनत करके, कि यहाँ पर जो आपने रिजल्ट निकाला इसको यूज़ करना चाहेंगे, यूज़ करना चाहेंगे, इसको यूज़ करोगे बेटा, ए इधर है, दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए इनवर्स को, तो यहाँ पर अगर आप ये स्केलर क्वांटिटी बाहर रहने दो, आपने यहाँ पर प्री मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स तो ये आया, और यहाँ पर भी आपने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट कुछ इस तरीके से, ए इनवर्स इंटू ए, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आई, तो इसका वैल्यू क्या बचेगा माइनस वन बाई एट आई इंटू बी, तो ये क्या हो जाएगा बी इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू आई, इसका वैल्यू ए इनवर्स, तो यहाँ से अपने को डायरेक्टली क्या मिल जा रहा है ए इनवर्स का वैल्यू, जो वहां पे निकालना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ए इनवर्स की जगह हम लोग वहां पे क्या लिख सकते हैं माइनस वन बाई एट इंटू बी, तो यहां पे लिखेंगे दिस इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई एट इंटू बी इंटू सी, अब बी इंटू सी का वैल्यू निकालो, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई एट, बी का वैल्यू लिख दो 11 माइनस वन माइनस सेवन माइनस वन माइनस 14 टू और 6 मल्टीप्लाइड बाई सी 6 12 और 1, चलो सॉल्व करो। आ गया वैल्यूज, एक्स वाई जेड का वैल्यू एक्स इज इक्वल्स टू 1, वाई इक्वल्स टू 2 और जेड इक्वल्स टू 3। आसान है, तो ये मेथड बेटा आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यहाँ पे बस बोल दिया है आपको द इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर 3 कॉम्पिटेटिव मार्केट, ये जो भी बोला है छोड़ दो, आपको P1 P2 P3 का वैल्यू निकालना है, तो जस्ट लाइक लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड बोला है, सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो आज आपको होमवर्क काफ़ी अच्छा खासा मिला है, होमवर्क को कंप्लीट करें। अब इट इज़ माई सजेशन अगेन कि आप इसके MCQ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करें, और एग्जाम्पल्स में मार्क करवा रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपको जरूर करना है। एग्जाम्पल नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर जो 11 हम लोगों ने किया है उसी के जैसा ट्रांसपोज वाला ही क्वेश्चन है, तो एग्जाम्पल नंबर 11 आपको सॉल्व करना है, बाकी ठीक है, बाकी सब मिलता जुलता ही है, सारा कुछ हमने एक्सरसाइज में कवर कर लिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.